समाजसेवी जामवंत राव धोटे इनकी मृत्यु को शुक्रवार को एक साल पूर्ण हुए हैं। जामवंत राव ने हमेशा ही पृथक विदर्भ की मांग की थी। उनका हमेशा ही कहना था कि विदर्भ पर अत्याचार हो रहा है, इसीलिए विदर्भ अलग होना चाहिए। इसीलिए जामवंत राव धोटे का ये सपना पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रकाश पोहरे उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान सभी मान्यवरों ने कहा कि विदर्भ पर अत्याचार हो रहा है। किसी व्यक्ति को अपनी शिकायत या काम हो तो उसे 700 किलोमीटर दूर मुंबई जाना पड़ता है। विदर्भ के लिए एक अधिवेशन दिया गया है, मगर पिछले 2 सालों से एक भी अधिवेशन नागपुर में नहीं हुआ है। वो जरूर से आप पढ़िए, उसके अंदर मैंने लिखा है कि नक्सलवादियों के पितृत्व सरकार खड़े, सरकार की नीतियों के कारण ही हमारे विदर्भ के अंदर ये नक्सलवाद बढ़ा है। और क्योंकि सातत्य से शोषण और हमारे प्रश्नों की तरफ ध्यान नहीं देना, और एक बात समझ लो कि अगर गढ़चिरौली के नागपुर के आर्मी को अगर राजधानी में जाना है कैपिटल में तो 750 किलोमीटर का जर्नी करना पड़ता है, और अगर गढ़चिरौली के आर्मी को जाना पड़ता है तो 1100 किलोमीटर का जर्नी करना पड़ता है। तो ये कोई तरीका नहीं है। तो ये आज के घड़ी में ये जरूरत है कि ये सारा का सारा वापिस से रिवैम्प हो। उस जमाने में हमारे जो भी नेता थे, बगैर विदर्भ के लोगों को कंसल्ट किए उन्होंने विदर्भ को कुछ कारण से दादाजी महाराष्ट्र के साथ में जोड़ दिया, और आज जो दुर्गति है उसका यही उसका कारण वही है कि हम जबरदस्ती जो कि हमारे एक्चुअली हम स्टेट थे।